वर्ल्ड कप के बाद से ही भारत और वेस्ट इंडीज के बीच होने वाली T20 सीरीज का इंतजार हम सभी को था, लेकिन इस पूरी सीरीज से पहले अब फैंस के लिए बुरी खबर है, क्योंकि बारिश का खतरा अमेरिका में फ्लोरिडा में होने वाले मैचेस पर मंडरा रहा है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी वेदर प्रिडिक्शन बताऊंगा, कब बारिश हो सकती है, कितने बजे बारिश के इम्कानात हैं और क्या मैचेस हो पाएंगे या नहीं। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप भी एमसीपी क्रिकेट फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्लोरिडा के वेदर की और फ्लोरिडा में होने वाले मैचों की टाइमिंग की। दरअसल दोस्तों, इस बार जो वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज होगी भारत की, उसमें दो T20 मैचों को फ्लोरिडा के लॉडर हिल में कराया जाएगा। यहाँ पर एक सेंट्रल ब्रॉफिड नाम का क्रिकेट स्टेडियम है, जिसपे 2016 में भी भारत जाकर खेला था, यहीं पर मैचेस होंगे। और भारतीय समय अनुसार रात में 8 बजे इन मैचों को शुरू किया जाएगा। तो अगर हम फ्लोरिडा के टाइम की बात करें, अमेरिका में फ्लोरिडा स्टेट के टाइम की बात करें, तो वहां पर 11 बजे दोपहर में 11 AM को ये मैचेस शुरू होंगे, जब दोपहर नून की स्टार्टिंग होती है, और दोपहर 2 बजे तक ये जो मैचेस हैं, 3 बजे तक मैचेस खत्म हो जाएगा। वहां पर ये मैच दोपहर में खेला जाएगा टाइमिंग के अनुसार। अब देख लेते हैं वेदर क्या कह रहा है, क्योंकि 3 तारीख और 4 तारीख ये दोनों दिन लगातार मैचेस होने वाले हैं। अगर हम बात करें 3 तारीख की, तो आप वेदर प्रिडिक्शन अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। एक्यू वेदर की वेदर और रेडार प्रिडिक्शन की अगर हम बात करें, तो सुबह 9 बजे से ही बारिश शुरू हो जाएगी, जो शाम तक चलेगी 3 तारीख को, और बारिश के चांसेस अराउंड 50-60% के हैं। मतलब अगर हम बात करें 11 से 2 बजे के बीच की 3 तारीख को, तो बारिश आ सकती है और बहुत हद तक मैच को खराब करेगी, बारिश के इम्कानात है। और अमेरिका में अगर प्रिडिक्शन की जाती है बारिश की, तो वो 99% सही निकलती है। इंडिया में मुश्किल होती है, लेकिन अमेरिका में रडार प्रिडिक्शन होती है, इसलिए ये प्रिडिक्शन बहुत हद तक सही रह सकती है 3 तारीख की, मतलब पहले T20 मैच की अगर हम बात करें। ऐसी स्थिति में 3 तारीख का वेदर डरा रहा है, क्लाउड कवर भी 95% रहने वाले हैं, ह्यूमिडिटी भी रहेगी। मेरे हिसाब से बहुत हद तक मैच धुल सकता है 3 तारीख को, जो पहला विंडीज के साथ मैच होने वाला है। तो भाई दोस्तों, अगर अब हम 4 तारीख के प्रिडिक्शन की बात करें, तो यहाँ पर थोड़ी सी कह लें कि हिम्मत देने वाली खबर आई है। खबर यह है कि 4 तारीख को जो मैच खेला जाएगा, उसमें अराउंड 3:30 बजे से बारिश होगी। मतलब वहां पर जब मैच खत्म होने वाला होगा 4 तारीख को, तब बारिश आएगी। इसका मतलब साफ है कि 4 तारीख को जो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच मैच खेला जाएगा, उसमें बारिश इतनी ज्यादा खलल नहीं डालेगी। मेरे हिसाब से वो मैच हो सकता है। 3 तारीख के मैच में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है। एक्यू वेदर पर पूरी प्रिडिक्शन मौजूद है, आप साइड में भी सारी प्रिडिक्शन देख पा रहे होंगे। उसके अलावा दोस्तों, जो तीसरा T20 मैच होगा वो विंडीज में ही होगा, गुआना में वो मैच होने वाला है, जिसकी प्रिडिक्शन हम बहुत जल्दी आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। लेकिन शुरुआती 2 T20 मैचों के लिए इंडियन फैंस के लिए कतई भी अच्छी खबर नहीं है। नेक्स्ट बारिश का अपडेट जब भी आएगा, आपको माय क्रिकेट प्रेडिक्शन पर पता लग जाएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ।